बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा फूड फैंटेसी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कश्मीरी चाय की रेसिपी, जिसे पिंक टी भी कहते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मैं ये जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3 से 4 पर्सन सर्विंग के लिए, इसके लिए आपने 4 कप पानी लेना है सॉस पैन के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 4 कप पानी ले लिया है, ठीक है। पानी लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे छोटी इलायची, ठीक है। छोटी इलायची जो है वो आपने 7 से 8 छोटी इलायची इसके अंदर डाल देनी है, या आपको जितना पसंद हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रीन टी लिया है, जिसको सब्ज चाय भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर टपाल के लिए गुलबहार के नाम से साशी आया था, आई थिंक 20 रुपीज़ का था। इसमें कश्मीरी चाय मैंशन भी है। जब आपके पानी में बॉयल आने लगे, आपने 2 टेबल स्पून जो है वो कश्मीरी चाय के इसके अंदर डाल देने, पानी के अंदर डाल देने। आप लोग इस साशे से जो है वो तकरीबन 10 से 12 के लिए जो है वो कश्मीरी चाय बना सकते हैं, ठीक है। जब आपका पानी में अच्छी तरीके से बॉईल आने लगेगा, आपने इसको अच्छे से चलाना है। आप लोगों ने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका के इतना कर लेना है कि आपका ये पानी जो है वो 2 कप रह जाए। यहाँ पर देखें पानी बहुत अच्छे से पक रहा है। जब आपका पानी यहाँ पर 2 कप रह जाएगा, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर लेना है 2 कप ठंडा पानी, ठीक है। फ्रिज का लिया हुआ पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठंडे पानी से ये होगा कि आपकी चाय का जो कलर है वो प्रोमिनेंट होगा, जो हमें पिंक कलर चाहिए। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया और इसको फिर आप लोगों ने पकने के लिए रख देना है कि इतना पके कि वापस से ये 2 से आपका 2.5 कप पानी रह जाए। आप लोगों ने ये मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बनानी है, ठीक है। या इसको अच्छे से पका लेना है। अभी देखें इसका ग्रीन ग्रीन कलर ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जब आपका बहुत अच्छे तरीके से बॉईल आने लगेगा, तो आपने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है वो मीठा सोडा, जो खाने का सोडा है, वो ऐड करना है। एकदम से ये बबल्स बनेंगे, घबराना नहीं है। आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है, चलाना है, और इस तरीके से 5 से 6 बार जो है वो आपने ऊपर नीचे करना है चाय को, ठीक है। ये अच्छी तरीके से प्रॉपर इसको मिक्स कर दें और फिर इसको जो है वो हाई फ्लेम पे आप पकने के लिए रख दें चाय को, ताकि आपका जो पानी जो है वो ज़्यादा हमने ऐड किया था, जो बाद में ठंडा पानी 2 कप, वो इतना हो जाए पानी कि आपके 2 से 2.5 कप रह जाए। यहाँ पर ये हमारी चाय बहुत अच्छे से पक रही है। आप देखें सरफेस के ऊपर पिंकिश पिंकिश सा कलर जो है वो आना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमें साइन दे रहा है कि जिस तरीके से हम अच्छे से इसको पकाना चाहते थे, हमारा कहवा जो है ये चाय का अच्छे से पक गया है। मैं आपको और करीब से इसकी ऊपर की लुक दिखाती हूँ। ये देखें आपको ऊपर लेयर पर पिंक कलर नज़र आ रहा होगा। अब इसको कहवे को जब आप देखेंगे कि आपका इतना पानी रह गया है 2 कप के करीब, तो आप लोगों ने फ्लेम बंद कर देनी है और इस कहवे को छान के अलग से रख लेना है। कहवे को मैंने छान के अलग कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है, उसको आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है 3 टेबल स्पून शुगर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं वो कहवा ऐड करूँगी जो हमने बनाया था। ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा पिंक कलर आ रहा है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कहवा ऐड करना है, जिस हिसाब से आपने कलर रखना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है, उस हिसाब से आपने इसके अंदर जो है उस कहवे को ऐड करना है। यहाँ पर आपकी कश्मीरी चाय रेडी हो गई है। मैं अब इसका आपको आखिर में फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि बिल्कुल प्रिपेयर होकर जो है कैसी लगी। यहाँ देखें मैंने इसको कप में सर्व कर दिया, इतना अच्छा कलर आया है। ऊपर से मैंने जो है वो पिस्ते डाले हैं। आप लोग सर्विंग के टाइम पर ऊपर से इस तरीके से पिस्ते डाल सकते हैं या कोई भी नट्स वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।